नमस्कार बच्चों, कक्षा तीन में विषय हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों अगले इकाई में पढ़ी गिनती, उसके आगे की इकाई थी वर्णमाला जिसमें स्वर और व्यंजन होने से। बच्चों कक्षा एक और दो में हम जब स्वर और व्यंजन सीखते हैं तो उसके साथ गुजराती स्वर और गुजराती व्यंजन पण सीखिए थे। उसी तरह बच्चों की कक्षा तीन में सिर्फ और सिर्फ हमें स्वर और व्यंजन हिंदी में ही सीखते हैं। तो बच्चों आज जो इकाई हम पढ़ने वाले हैं वह एक स्वर और व्यंजन की है। तो इकाई है कि वर्णमाला का सचित्र परिचय, यानी कि मूलाक्षरों का सचित्र परिचय। बच्चों मूलाक्षरों का सचित्र परिचय એટલે કે चित्र साथ अपने व्यंजन और स्वर बनने सीखवानो छे। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं स्वर की। तो देखिए बच्चों यहाँ अ से अनार, हमारी किताब में अनार का चित्र दिया गया है। आ से आम, ई से इमली, ई ई से ईक। बच्चों ये ह्रस्व ई है और एक दीर्घ ई है, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई। जब छोटी ई बोलते हैं तो सिंपल तरह सरलता से बोलते हैं ई, ई से ई। जब बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई बोलते हैं तो ई इसे। बच्चों सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर है, यहाँ रकार का चिन्ह दिया गया है वह हमारे छोटी में नहीं दिया, तो यह आपको खास ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए बच्चों उसे उलू, उसे ऊ, उसे ऊ। तो बच्चों यहाँ हस्व और ये हो रहा दीर्घ, यहाँ देखिए बच्चों तीन की तरह वो दिया गया है, यहाँ भी तीन दिए गए हैं लेकिन एक और चिन्ह लगाया गया है। जैसे दीर्घ ई में लगाया गया था उसी तरह दीर्घ ऊ में भी इस तरह का चिन्ह लगा था, जिससे यह साबित होता है यह होता है कि ये दीर्घ ऊ है। जैसे ऊ, ऊ से ऊ। उसके बाद बच्चों री, इसे री भी कहते हैं और रू भी कहते हैं, दोनों तरह बोले जाते हैं। रू से ऋषि और री से ऋषि भी कहते हैं। चलिए बच्चों आगे ए से एडी, ऐ से एन। तो बच्चों यहाँ खास ध्यान रखना है ए और ऐ दोनों एक तरह के हैं लेकिन ए के पर कोई मात्रा नहीं दी गई, यानी ए से एडी और ऐ पर एक मात्रा दी गई है। देखिए बच्चों हमारी किताब में भी यहाँ अपने देखेंगे आगे, यहाँ देखिए बच्चों एन यहाँ मात्रा दी गई है और यहाँ भी एक मात्रा दी गई है, जिससे ए में इसका मतलब है यह एक मात्रा और यहाँ एक और दो, जिससे ए बन जाता है ऐसे एन। उसके बाद बच्चों ओ से ओखली, औ से और, अम से अंग। तो बच्चों यहाँ हमने एक और इस तरह का अंग अगली इकाई में देखा था, इस अंग का उपयोग यहाँ होता है अम से अंग यानी कि अनुस्वार के। अह तो बच्चों जब नमः लिखते हैं तब ह का उच्चार होता है, उसी तरह ही अह है अह से अह। चलिए बच्चों किताब देखते हैं। चलिए बच्चों अब देखिए यहाँ इकाई तीन वर्णमाला का सचित्र परिचय, यानी कि मूलाक्षरों का सचित्र परिचय। तो बच्चों यहाँ देखिए लिखा है पढ़ो बोलो और लिखो, यानी कि वाचो बोलो अने लखो। तो बच्चों यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ स्वर के बारे में ही पढ़ना है। अ से अनार, अनार शब्द यहाँ लिखना है बच्चों और अ यहाँ लिखना है। आ से आम, ये किसका चित्र है आम का। आ से आम, आम शब्द यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है आ। ई से इमली, तो यह दिया गया है इमली का चित्र। उसके बाद देखिए बच्चों बड़ा ई यानी कि दीर्घ ई, ई ई से ईक, तो यहाँ ईक का चित्र दिया गया है। ऊ से उलू, तो यहाँ देखिए बच्चों ये रहा उलू का चित्र, बड़ा वाला ऊ यानी कि दीर्घ ऊ, ऊ ऊ से ऊन,
तो यहाँ उन लिखना है। रे और रू दोनों ही बोलते हैं, री से ऋषि और रू से ऋषि, तो यहाँ लिखना है। यहाँ ऋषि का चित्र दिया गया है, ऐसे सॉरी बच्चों ए से एडी, तो यहाँ एडी लिखना है। ऐसे ऐनक, तो यहाँ ऐनक का चित्र दिया गया है। ओ से ओखली, तो यहाँ लिखना है ओखली। औ से औरत, यानी यहाँ लिखना है औरत। अम से अंगूर, अंगूर का चित्र ए रहा बच्चों। अह से अह अह, बच्चों मीन्स मैंने इन शब्दों का गुजराती इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी किताब में सिर्फ और सिर्फ हिंदी शब्दों और हिंदी वर्णों को ही समझना है और पढ़ना है, इसीलिए बच्चों आपको भी खास ध्यान रखना है और ज्ञात भी रखना है। चलिए बच्चों आगे।